दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम। मेरा नाम सौरभ है, हम लोग एक वेबसाइट चलाते हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम के नाम से। कितनी बदल गई सर जिंदगी मशहूर होने के बाद? मुझे तो मतलब महसूस तब होता है, अब जैसे मैं वहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस देके या फिर फोटो वोटो ले रहे हैं मेरे साथ सब, तो बाकी तो मेरे लाइफ वैसे ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं बदला। अब लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत जिंदगी बहुत बदल गई है। और वो वाला स्टूल किसका है? देखिए चाय से मोदी जी की याद आ जाती है। मैं भी एक चाय पी सकता हूँ। बाकी सर आप मशहूर हो गए, आपको चाय दी, मुझे दी भी नहीं, सुबह से नौकरी बजा रहा हूँ इन लोगों की। पानी भी मुझे पिला दीजिए, पानी भी दे दीजिए, वो किसी ने बेचा नहीं बचपन में। अब पानी अब बिकने लगा है तो हाँ नहीं, चाय तो बहुत पहले से बिक रही है, मतलब 500,000 के नोट भी बाद में आए थे उससे, और अब वो बंद हो गए। तो जिंदगी देखिए बदल ऐसे गई है कि अभी जैसे पहले मैं फेसबुक चलाता था तो किसी का मैसेज आ गया, और भाई क्या हालचाल, मैंने लिख दिया बढ़िया आप बताओ, हमारा भी बढ़िया तुम सुनाओ, मैंने कहा आपने बढ़िया तुम और सुनाओ, अपने सब बढ़िया, घर में कैसे हैं? घर में सब ठीक है, गांव में सब बढ़िया है। उस टाइम क्या था, टाइम था मेरे पास। अब क्या होता है कि फोन आता है, इस पे फोन पे फोन आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही काटता हूँ दूसरा फोन आ जाता है, फिर काटता हूँ, इतने में किसी उसी बंदे का मैसेज आ गया जो इतनी बातें करता था, उस बंदे का फोन आता है और भाई कैसे हो। अब वो मैंने मैसेज तो देख लिया लेकिन लिखने का टाइम नहीं है, फोन आए जा रहा है, फिर उसका रिप्लाई करता है, अरे भाई रिप्लाई नहीं किया, फिर मैं देखता हूँ अरे यार इसको रिप्लाई करना है, करेंगे, फिर वो बंदा दोबारा रिप्लाई करता है, अरे यार ईगो आ गया तुम तो रिप्लाई नहीं देते इतने बड़े हो गए, फिर वो पूरा लिखता, इतना बड़ा है ना पहरा लिखता है कि भाई बड़े होने के बाद ये हो जाता है और ये चीजें बदल जाती हैं, तुम बदल चुके हो, ये चुके हो, वो चुके हो। तो वो मैसेज मैं देखता हूँ ना, तब यूँ लगता है यार अब जिंदगी लग रहा है कि बदल गई है, कि टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो चीज़ें मैं सोचता था यार कोई बंदा है ना कहीं मशहूर हो गया तो वो बदलता नहीं है, लेकिन वो बंदा नहीं बदलता, जैसे मैं हूँ तो मैं कुछ बदला नहीं हूँ। वो भी बंदे जैसे मेरे गाँव के फ्रेंड है, वो मुझे मिले तो वैसे ही मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन अब क्या है उनको रिप्लाई देने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो लोग कहते हैं, अब जैसे मैसेज मेरे पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो बस वो जिंदगी है ना, वो मुझे लग रहा है कि लोगों के नजरिए से जिंदगी बदल गई, मेरी वैसी ही पड़ी है जिंदगी। एक चूंकि प्ले चल रहा है और आवाज वहां तक पहुंचती है, नहीं पहले भी आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही थी, फिर भी हमने कर लिया वहां, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो प्ले की इतनी ज्यादा आ नहीं रही है, तो जिया हो बिहार की लाला ज्यादा आ रही थी। सर बहुत सारे लोग गूगल पे लिखते हैं हु इज श्याम रंगीला, तो मुझे लगा कि ललन टॉप के मंच पर, ललन टॉप के अड्डे पर श्याम रंगीला खुद मौजूद हैं, तो वो अपनी कहानी खुद ही बता दें, अपना गांव, अपने पिता, अपनी परवरिश, अपनी कहानी, ताकि अगली मर्तबा जब कोई लिखे पिता तो पिता आपने क्या बोला, आपने पिता बता दो। नहीं लोग यही जानते हैं ना कि बेटा जैसे पहला सवाल पूछते हैं किसके बच्चे हो, क्या करते हैं पिताजी, गाँव क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। बता देता हूँ बिल्कुल, मैं तो मतलब बताने के लिए ही मैंने इतना थोड़ा ट्राई किया था कि भाई मोदी जी की आवाज़ निकालेंगे तो कभी ऐसे ललन टॉप हमारा इंटरव्यू लेगा और उसमें हम बताएंगे। तो मैं ना छोटा सा था, सब छोटे से थे लेकिन मैं भी छोटा सा, तब मेरा ना सपना था तब से कॉमेडियन बनने का। तो तब मैं ट्राई करता था कॉमेडी, मतलब गांव में ना प्रोग्राम होते हैं, दो दिन होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, है ना। गांव से कौन कौन है यहाँ पे, सभी गांव से हैं। तो गांव में ना 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही होते हैं शो, और वहां भी है ना सिर्फ चद्दर बिछा के प्रोग्राम करो, स्टेज भी नहीं होता। तो मैं तब से गांव में, मेरा सपना था यार, क्योंकि वहां पे ना पेंसिल मिलती थी प्रोग्राम करने पे, पेन और पेंसिल, कटर रबड़ ये मिलते थे, हाँ कॉपी मिलती थी। तो वो चीजें लेने के लिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये ठीक मामला है, दो चुटकुले बोलो कॉपी मिलेगी। तो वो दो चुटकुले कब ये लगने लग गया कि यार अब तो दो से चार कर दिए, फिर चार से छह कर दिए, फिर बोलते 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 वो हॉबी बन गई। फिर 2012 तक मैंने 12वीं की गांव में पढ़ाई, मैंने 12वीं के बाद छोड़ दी, छोड़ तो मैं 8वीं में रहा था, घर वालों ने धक्के से पकड़ाए रखी 12वीं तक।
तो 10वीं तक गांव में पढ़ा, 11वीं में ना मैं गया कोई स्कूल में, तो वहाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, तो मुझे एग्रीकल्चर दिलवा दी उन्होंने कि यार एग्रीकल्चर में ना एग्रीकल्चर लेके देखो, बहुत तगड़ी चीज़ है, इससे गांव में खेती में आसानी होगी करने में, बहुत ही मस्त है, मतलब जॉब यूँ मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब 11वीं में एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट तो ठीक था, पेड़ पौधों के बारे में, एक H2O वो वाला था, क्या क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, डर जाता हूँ नाम से, मैं तो केमिस्ट्री को भी केमिस्ट्री पढ़ता था। तो है ना, वो 11वीं में वो ली, तो 11वीं में प्राइवेट स्कूल था, तो मेरे नंबर तो उसमें कम ही आते थे, तो सर बोलते थे तुम 12वीं में आ जाओ, एक बार फिर बात करते हैं। मतलब उनको 12वीं में छूट थी, मोहर लगी हुई थी कि भाई इनको मारो पीटो कुछ भी करो, 12वीं में पास करवाओ। तो उन्होंने कहा 12वीं में तो एक बार फिर तेरे को बता दूंगा। मैंने 12वीं में स्कूल ही छोड़ दिया। वो मैं गया सरकारी स्कूल में, वहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये फीस थी हमारी, सरकारी में 500 रुपये। 12वीं सरकारी पढ़ने के बाद में फिर मैंने कहा यार अब तो 12वीं के बाद पढ़ना ही नहीं है, अब जो करना चाहते हैं वही करेंगे। तो फिर मेरी थोड़ी है ना हॉबी उसमें थी, वीडियो एडिटिंग में, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इसमें हॉबी थी, तो फिर मैंने 3 साल का कोर्स जयपुर से किया। जयपुर कोर्स करने के दौरान ही फिर मैं ये वीडियो वगैरह देखता था, सीखता था, करता था, और वहाँ से फिर यूट्यूब जिंदाबाद। चलिए, यूट्यूब जिंदाबाद, श्याम रंगीला जिंदाबाद, कलाकारी जिंदाबाद, मस्खरी जिंदाबाद, हंसते रहें, हंसाते रहें, ललन टॉप अड्डे पर बार बार आते रहें, क्योंकि वहाँ प्ले हो रहा है और बार बार हमें निर्देश आ रहा है, आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए हमें अभी ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और जी जी जी। मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, आप ललन टॉप के न्यूज रूम में आइए, हम लोग आपसे तसल्ली से खूब सारी बातें करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।